सामाजिक लाभवादी चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं गन्ना का जो गन्ना से रस निकलता है मशीन देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग आज गन्ने का रस का चैलेंज बनाने चल रहे हैं। मतलब कि आज हम लोग एक मिनट में 12 गिलास गन्ने का रस का चैलेंज लगाए हुए हैं। भैया जी देखिए बहुत ज़बरदस्ती करके गन्ने का रस निकाल रहे हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? हेलो, इधर 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 देख के बोलिए, ऐसे बोलिए यार। हाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? यही के मतलब 40 नंबर गोमती। तो जैसे कि दर्शक जान रहे हैं कि हम 40 नंबर गोमती पे खड़े हैं, जो क्रॉसिंग है उसके बगल में खड़े हुए हैं, और यहाँ गन्ने की दुकान लगी हुई है। तो हम लोग यहाँ पर चैलेंज लगाए हैं एक मिनट में 12 गिलास गन्ने का जूस पीने के लिए। तो देखिए हम पवन जी के पास आप लोगों के लिए चले हैं, तो इसका टर्म कंडीशन क्या है? हमारा एक मिनट में 12 गिलास गन्ने का जूस पीना है, और जो एक मिनट में 12 गिलास गन्ने का जूस कंप्लीट कर लेगा, और ज्यादा बड़ा गिलास नहीं है, छोटा गिलास है। ये छोटा वाला गिलास रखेंगे कि बड़ा वाला? नहीं, ये वाला गिलास रखेंगे। अच्छा, जो 12 गिलास कंप्लीट कर लेगा उसको मतलब 300 रुपए का इनाम भी है, और देखते हैं कौन कौन इस चैलेंज में भाग लेता है और कौन इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाता है। जो है गन्ने का रस विदाउट बर्फ, भैया जी जूस निकाल रहे हैं, विदाउट बर्फ बन रहा है। नींबू डाला जा रहा है, पुदीना डाला जा रहा है, वही पुदीना है जो पवन सिंह गा रहे थे, ले लो पुदीना। तो यहाँ पेड़ लो पुदीना है भैया, ठीक है। देखिए बहुत गचाका रस निकल रहा है, जूस निकालने में नहीं शर्मा रहे हैं। हाँ, जूस निकालने में नहीं शर्मा रहे हैं, गन्ने को दबा दबा के जूस निकाल रहे हैं, और बात करने में बिल्कुल शर्मा रहे हैं, शर्मा शर्मा के जूस निकाल रहे हैं। हमको लगता है हमारे दर्शकों को आपका नाम नहीं पता चल पाया क्या बोले थे। मेरा नाम विशाल कुमार है, और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये ट्रेन की पटरी के पास जूस लगाते हैं, इसलिए सुपर फास्ट ही बोलते हैं। गाड़ी की स्पीड में ही बोलते हैं, और देखते हैं यहाँ पर चैलेंज कौन एक्सेप्ट करता है और कौन जीतता पाता है। गिलास भरी हुई है, जानते हैं ये गन्ने के रस से भरी हुई है, गन्ने के जूस से भरी हुई है। तो आज हमारा चैलेंज गन्ने का जूस का ही है, इसीलिए यहाँ पर भरी हुई है। तो हम इस समय 40 नंबर गोमती पर गन्ने के रस का चैलेंज लगाए हुए हैं, एक मिनट में 12 गिलास पीना है। तो जैसे कि अभी पवन जी भी बताए हैं और हम भी बता दिए हैं कि आज हम 40 नंबर गोमती पे खड़े हुए हैं चैलेंज को लेकर। तो देखिए कौन कौन आते हैं हमारे चैलेंज में। तो पवन जी, पहले आप कह रहे थे चाचा जी आ रहे हैं क्या? चाचा जी को 50% डिस्काउंट है, ठीक है। चाचा जी 6 गिलास भी पी लेंगे तब भी इनको 300 रुपए का पुरस्कार दे देंगे। चलिए ठीक है, हम चाहते हैं चाचा जी को बुला लीजिए। तो जैसे कि देख रहे हैं आप लोग हमारे इस चैलेंजिंग वीडियो में बुजुर्ग आए हैं, क्या नाम है दादा? हमीद। हमीद, हाँ। तो कहाँ के निवासी हैं? केराकत के बाबू। केराकत तहसील में, गांव क्या है? गांव दरियारी है बाबू। दरियारी? दरियारी, हाँ। तो दरियारी तो कैसे टहल रहे हैं? अब इसी तरह के घूम रहे हैं बाबू। तो दादाजी एकदम बहुत गरीब आदमी हैं, ये अपना घर द्वार इनका जो है जो था बेच कर, एक लड़की थी उनकी शादी कर दिए हैं, और यहाँ 40 नंबर गोमती पे मिले हैं। तो ये रस पीने के लिए बोले कि हम रस पी लेंगे, तो हम लोग इनको पिला रहे हैं। जहाँ 12 गिलास पिलाना था, हम 6 गिलास में इनको विनर कर देंगे। तो जिन सज्जनों के पास यह वीडियो जाता है तो दादाजी के लिए सहानुभूति जताएं। 40 नंबर गोमती के इर्द गिर्द टहलते रहते हैं, इनका कुछ न कुछ हेल्प जरूर करिए। तो चलिए दद्दू, आप जो है रस पीना चालू कर दीजिए, चालू कर दीजिए, टाइमर चालू कर दीजिए। जल्दी जल्दी पीने दादा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं दादाजी। अगर 6 गिलास पी लेंगे तो इनको हम 300 रुपए पुरस्कार तक दे देंगे। ये देखिए भाई जा जल्दी जल्दी पिए जा, गजब, जल्दी जल्दी उठाए जा पी के। इनकी हेल्प की जा रही है भाई, बुजुर्ग हैं इसलिए इनको हाथ में थमाया जा रहा है। हम तो ऐसे ही लोगों को ढूंढ ढूंढ के हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि बोले ना, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 35 सेकंड में कई गिलास पी चुके हैं? 4 गिलास खत्म हो गया है, 4 गिलास खत्म हो गया है दद्दू को। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं दादाजी।
अगर दद्दू 6 गिलास पी सकते हैं तो हमारे जवान 12 गिलास पी सकते हैं यार पवन जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 1 मिनट पूरा हो चुका है, फिर भी दादाजी कोशिश किए, 1 मिनट में थोड़ा सा आ गया, लेकिन 6 गिलास कम्प्लीट करके दादाजी के लिए ताली लगा दो यार दद्दू के लिए। भाई गजब के दो है, ये देखिए भाई लोग खुश होकर ताली बजा रहे हैं। तो दद्दू जी आप बहुत बड़ा काम कर दिए, हमारे चैनल में आ गए हैं। हम फिर से सभी लोगों से ये कहेंगे कि जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, जो भी सज्जन लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है और कर जोर निवेदन है कि हमारे दद्दू जी यहीं 40 नंबर गोमती के इर्द गिर्द टहलते रहते हैं। ये घर से बेघर हैं, ये घर और छोड़ चुके हैं, एक लड़की थी शादी कर चुके हैं, जमीन जायदाद बेचकर इस समय अपना पेट लेकर टहल रहे हैं। जिन भाइयों के पास यह वीडियो जाए, अगर इस रास्ते से आते हैं और दादाजी दिख जाते हैं तो कुछ न कुछ जरूर हेल्प करिएगा। तो पवन जी ये लो दादाजी, गजब का आप अपना हौसला दिखा के अपने आप जीते हैं, हम नहीं दे रहे आपको, आप अपने हौसले से जीते हैं दादाजी, आप पहलवानी सिखाते हैं। सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि भैया दादाजी पहले बहुत बड़े अच्छे पहलवान थे, पहलवानी सिखाते थे, लेकिन इनकी कला को कोई कदर नहीं किया है। बहरहाल जो भी है, ऊपर वाले जो मंजूर करते हैं उससे कोई जो है छेड़खानी नहीं कर सकता है। तो यहाँ भी पहलवानी दिखाकर जीत चुके हैं, थोड़ा सा रह गया था, क्यों पहुंची नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दादाजी विनर हुए हैं, हौसले के साथ बहुत बढ़िया, 6 गिलास के लिए विनर हुए हैं। तो एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग इनके लिए ताली जरूर बजा दें। तो पवन जी जैसे कि हम लोग देखे कि दादाजी पी लिए, एक पहलवान भी थे, गुरु भी थे, तो हम चाहेंगे कि आप इनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। बच्चा अगर जवान हो, बाकी दादाजी जैसे लोगों के लिए अगर जवानी हो तो बढ़ाओ कीजिए। देखिए दादाजी जैसे आप लोग हैं, बेसहारा हैं, गरीब हैं, लेकिन इन लोगों का दुख देख के मेरे दिल में बहुत दर्द होता है कि ये लोग ऐसे ही मतलब घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मतलब इनका कोई मतलब पूछने वाला नहीं है, कोई घर परिवार से नहीं है। तो इन लोगों के लिए भी मैं सोच रहा हूँ आगे चल के, जैसे ही हमारा फैमिली मेंबर बड़े हो जाएंगे, फैमिली सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो हम सोच रहे हैं 100-150 आदमियों का कम से कम एक रहने का स्थान बनाए, उनकी रोटी का हर एक व्यवस्था हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी हो सकेगी हम इनकी मदद करेंगे, लेकिन अभी हमारा बजट नहीं है, जैसे ही बजट बन जाएगा हम इन लोगों का और भी सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग हमारे मुकाम तक पहुँचाएंगे और दादाजी जैसे लोगों का सपोर्ट कीजिए, आप जहाँ भी कहीं मिले इनका सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। ठीक है, जैसे कि पवन जी बता रहे हैं कि अभी नहीं, आने वाले भविष्य में हम लोग सोचे हैं कि बेसहारों का हम लोग सहारा बनने की कोशिश करेंगे, सहारा तो नहीं बन सकते लेकिन कोशिश करेंगे। लगभग डेली हम लोग कम से कम 200 लोगों को खाना खिलाने की कोशिश करेंगे, रहने का, खाने का, हर एक इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे काम चल रहा है। ठीक है पवन जी, फैमिली बड़ी हो जाएगी, थोड़ा बजट अच्छा हो जाएगा तो हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों के सपोर्ट में है और जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो पवन जी जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं दद्दू जी आ गए थे तो उनके लिए 6 गिलास का चैलेंज था, लेकिन ये 12 गिलास का ही चैलेंज है। 1 मिनट में 12 गिलास जो पी लेगा उसे 300 रूपए का इनाम मिलेगा। ये तो दादाजी के लिए 3 गिलास जितने पी पाएंगे उतने पिए और उसका चार्ज नहीं लगेगा। 11 गिलास भी पी लेते हैं, नहीं पी पाते हैं उसके बाद तो चार्ज नहीं लगेगा, और अगर 12 गिलास पी लेते हैं तो उनको 300 रूपए का इनाम भी मिलेगा, अगर कितने कम भी पीते हैं तो उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे कि देख रहे हैं अगले चैलेंजर के रूप में भैया जी आए हैं, क्या नाम है आपका? गोरीलाल। जोर से बोलिए, गोरीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? 40 नंबर गोमती के। 40 नंबर गोमती से जहाँ पर हम लोग चैलेंज लगाए हैं वहाँ के निवासी हैं, गोरीलाल नाम है इनका। ये हमारा चैलेंज स्वीकार किए हैं, 1 मिनट में 12 गिलास पीना है, यदि कुछ भी होता है तो हमारा चैनल गारंटी नहीं लेगा आपका, ये सब अपने रिस्क पे पी रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो पवन जी इनके लिए टाइमर लगाइए। टाइमर चालू नहीं हुआ है क्या? हो गया। टाइमर चालू हो गया है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गजब भैया, गजब। गमछा भी, गमछा बचा के है, गमछे पे खूब रस गिर रहा है इनके। ओह, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया।
बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पीने के साथ में निकल गया पहले चाहिए। अरे इनका रस गिर रहा है, एक गिलास में और डालिए। नहीं नहीं इतना पीने दीजिए, फिर देखते हैं। टाइम बचा रहेगा तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज एक गमछा धुलवाएंगे लग रहा है। पूरा हो गया, नहीं पी पाया भैया, बस करिए, बस बस नहीं हो पाया है इनका। भैया ये इनका मोचा डाली देके एक बार ताली बजा दो यार इनके लिए। आप इधर आइए, ये हमारे चैनल में है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पी नहीं पाए हैं, ये जो है डिफीट हो गए हैं। 11 गिलास कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट गिलास से रह गए, एक गिलास से बच गए, नहीं तो आज 300 रूपए ये पा जाते हैं। तो चलिए आप हमारे चैनल में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे एक चैलेंजर होरी लाल जी थे, बहुत ताव में आए थे और पूरा रस से अंगूठा भिगो लिए थे। बहरहाल बहुत बहुत स्वागत है उनका। लेकिन चुरा रहे थे रस को। तो चलिए हमारे अगले चैलेंजर के रूप में भैया जी आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजय सरोज। संजय सरोज, आप कहाँ के निवासी हैं? खोजापुर। खोजापुर की धरती से चलकर आए हैं यहाँ 40 नंबर गोमती पे, हमारा चैलेंज स्वीकार किए हैं गन्ना का जूस पीने के लिए। 1 मिनट में 12 गिलास जूस पीना है। पी लेंगे ना? अगर पी लेंगे तो आपको 300 रूपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। लेकिन इस पीने से पहले हम बता देते हैं, यदि ये जो गन्ना का रस रखा हुआ है, इससे कोई भी रिएक्शन होता है, कोई गड़बड़ी होती है, तो चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। ये अपने रिस्पांस में पी रहे हैं, ठीक है? गन्ने का रस पिए हैं, लेकिन ये कि 12 गिलास नहीं पिए हैं, उसकी बात नहीं है। आप ये शर्त मंजूर करते हैं ना? कोई दिक्कत हो रही तो आप 2 गिलास 4 गिलास कहीं भी छोड़ सकते हैं। अगर पीने में कोई दिक्कत होती है, रुक जाइए, अगर पीने में कोई दिक्कत होती है तो वहीं से बंद कर देंगे, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो पवन जी इनके लिए टाइमर चालू कर दीजिए भाई। स्टार्ट हो चुका है, तो वो पीना भी स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसे ही फिनिश करना चाहिए, चैलेंजर हो तो संजय जी की तरह। देखिए गजब का यार। अच्छा, ये शर्ट में भी नहीं गिरा रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, चैलेंज की तरह पी रहे हैं। अभी 17 सेकंड हुए हैं और 5 गिलास खत्म कर चुके हैं। पी गए 12 गिलास, पी गए, जान गए 12 गिलास। ये झूठे कह रहे थे कि हम नहीं पी पाएंगे, ये लगता है प्रैक्टिस करके आए थे। नहीं प्रैक्टिस नहीं किए, तो लेकिन ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 32 सेकंड हुए हैं, लास्ट गिलास में पता लगेगा पी पाएंगे नहीं पी पाएंगे। हो गया, हम समझ गए कि संजय जी पी लेंगे। अभी 42 सेकंड हुए हैं, बहुत 45 सेकंड हो गए हैं, बहुत अच्छा। अब ताली बजेगी इनके लिए, लग रहा है ताली बजेगी। ये विजेता बन चुके हैं, ये विजेता बन चुके हैं हमारे आज के जो चैलेंज रखा गया था गन्ना का जूस पीने के लिए। तो संजय जी विजेता हो चुके हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबरों को? ये हम ये सोच करके पिए थे कि अगर हमारा हिम्मत पड़ेगा पहले तो देखें, तो हम कहे इनका हम देखते हैं, तब उसी से हम रुके और बाकी गन्ने पीने का कोई नहीं। तो चलिए ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे व्यूअर्स भी हैं, बहुत पहले से हमारा वीडियो देख रहे हैं और इनको इन्होंने बताया हम आपके व्यूअर्स हैं, और इसलिए हम यहाँ पर गन्ने का जूस लगाए। ये भाई साहब भी हमारे व्यूअर्स हैं और इन दोनों लोगों के मिलने के बाद ही हम लोग यहाँ गन्ने का जूस का चैलेंज लगाए और ये भाई साहब जीत भी गए हैं। तो 54 सेकंड में 12 गिलास जीत गए हैं, इसलिए हम इनको 300 बजाय आज 400 रूपए का इनाम देंगे। भाई ताली बजा दो यार एक बार। तो जैसे भैया जी संजय जी हैं, वैसे क्या नाम है भैया आपका? विष्णु यादव। कहाँ के निवासी हैं? सुलाकी चौराहा। हाँ जी, तो आप लोग इनसे भी मिलिए, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत बहुत शुरू से ही वीडियो देखते हैं। जैसे हम लोग आज चौराहे पे उतरे हैं तो ये विष्णु जी हम लोगों को पहचान गए और हम लोगों के पास आए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रेम बनाए हुए हैं। तो संजय जी पैसा पा गए ना? अरे एक बार फिर से दिखा दीजिए यार कि पैसा पा गए हैं। ये देखिए पैसा पा गए हैं, सभी दर्शक देख लीजिए, इनको पैसा मिल गया है।
और गिन रहे हैं और मुस्कुरा के गिन रहे हैं। देखिए कैसे हंस रहे हैं। तो जूस पीने में आनंद आ गया संजय जी? आनंद आ गया, मजा आया, अच्छा अच्छा था ना? बहुत अच्छा था। और साथ साथ हम सबसे ज्यादा कोशिश ये हो रहे हैं, कम से कम हम पहली बार आपके पास आए और विजेता हुए जी, जी। तो इसलिए पैसे से ज्यादा खुशी हमें विजेता होने की है। तो पवन जी क्या कहेंगे संजय जी के लिए? संजय जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हौसला दिखाए हैं और विनर भी हुए हैं और हमारे व्यूअर्स भी हैं। इन लोगों का हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं और जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सबका धन्यवाद करेंगे और सब लोगों से हम ये निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि सब लोग हमारा वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब, अमेजिंग इलाहाबादी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी व्यूअर्स हमारा अगर कहीं हम जाते हैं मिलता है तो हमें व्यूअर्स से ज़्यादा हमें खुशी मिलती है कि कम से कम हमारी पहचान तो बनी है। लोग जब कहते हैं कि भाई अमेजिंग इलाहाबादी के कौन इलाहाबादी जी जा रहे हैं तो हमें अलग ही फील होता है, अलग खुशी मिलती है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपनी फैमिली बड़ी करते रहिए और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब लेते हैं विदा। धन्यवाद।